Good morning, class F. Class F, और exercise कौन सी है? 8.4, 8.4, exercise 8.4, बोलिए. एट पॉइंट फोर का नौवा नंबर देखिए, नवे का फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर नवे का फर्स्ट. 8 x 8 - 64, x की घाते 8 - 64. देखिए a² - b² के रूप में बनाना है. अब क्या करेंगे, ऐसा कर देंगे x की घाते 4 × 2 माइनस 8 की घाते 8 × 8 = 64 और x घाते 4 × 2 तो a² - b² बना a + b a - b यानी x घाते 4 + 8 और x की घाते 4 - 8. समझ में आया पूरा सवाल? फिर से देखिए, यक्ष गाते 8 - 64, इसका वर्गमूल निकाला तो यक्ष गाते 4 / 2 हो जाएगा और 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो 8 / 2 हो जाएगा. तो a² - b² बन गया. तो a + b यानी यक्ष गाते 4 + 8 और यक्ष गाते 4 - 8. समझ में आ गया पूरा? कोई प्रॉब्लम? सेकेंड नंबर नौवे का सेकेंड नंबर यक्ष वाई की घाते 8 माइनस जेड की घाते 8. एक्स वाई की घाते 8 माइनस जेड की घाते 8. इसमें बिना कोष लगाए भी लिख सकते हो. देखिए ये एक्स की घाते 4 वाई की घाते 4 की घाते 2 माइनस जेड की घाते 4 / 2. तो ये a² - b² बना. क्या जाएगा? a + b x घाते 4 y घाते 4 प्लस z की घाते 4 और x घाते 4 y की घाते 4 प्लस z की घाते 4. दूसरे कोष में x की घाते 4 y की घाते 4 माइनस z की घाते 4. समझ में आया? आप इसको तो इसी तरह उतार दीजिए, x की घाते 4 y की घाते 4 प्लस z
जबकि घाटे 4 पर इसमें फिर से लग जाएगा सूत्र, इसको कर दीजिए x स्क्वायर y स्क्वायर का स्क्वायर माइनस z स्क्वायर का स्क्वायर। तो देखिए आएगा x लगते 4 y लगते 4 प्लस z की घाते 4, दूसरे क्वेश्चन में आएगा x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, फिर आएगा x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। फिर देखिए फिर से पुनः यह हो जाएगा x घात 4 y घात 4 प्लस z की घात 4, फिर इसमें आएगा x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, और ये हो जाएगा इसको अगर करेंगे तो फिर देखिए ये हो जाएगा x y का स्क्वायर माइनस z का स्क्वायर। फिर देखिए x का 4 y की घात 4 प्लस z की घात 4, फिर यहां आ जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, फिर x y प्लस z, और x y माइनस z, ठीक है, x y प्लस z x y माइनस z, x की घात 4 y की घात 4 प्लस z की घात 4, x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, और x y प्लस z x y माइनस z। आ गए समझ में पूरा सवाल? आगे देखिए, तीसरा नंबर नाइन ए स्क्वायर प्लस 42 ए प्लस 49, नाइन ए स्क्वायर प्लस 42 ए प्लस 49 का स्क्वायर माइनस बी की घात 4, देखिए ये हो जाएगा 9 ए स्क्वायर प्लस 42 ए प्लस 49 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, फिर ये क्या आ जाएगा इसके बाद 9 ए स्क्वायर प्लस 42 ए प्लस 49 प्लस बी स्क्वायर, एक क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन में आ जाएगा 9 ए स्क्वायर
प्लस 42 ए प्लस 49 माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद ये तो इसी तरह रहेगा, 9 ए स्क्वायर प्लस 42 ए प्लस 49 प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 ए प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 9 ए स्क्वायर प्लस 42 ए प्लस 49 प्लस बी स्क्वायर, और इसमें हो जाएगा 3 ए प्लस 4 प्लस बी, और 3 ए प्लस 7 माइनस बी, ठीक है। नाइन ए स्क्वायर प्लस 42 ए प्लस 49 प्लस बी स्क्वायर, 3 ए प्लस 7 प्लस बी, और 3 ए प्लस 7 माइनस बी। पूरा सवाल समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 10वें का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10वें का फर्स्ट, चौसठ ए स्क्वायर माइनस 25 बी की घात 6, तो 8 ए का होल स्क्वायर माइनस 5 बी की घाते 3 की घाते 2, ठीक है। 8 ए प्लस 5 बी और 8 ए माइनस 5 बी, 8 ए प्लस 5 बी की क्यूब बी की घात 3 और 8 ए माइनस 5 बी की घात 3। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 10 सेकेंड और थर्ड, सेकेंड थर्ड सेकेंड थर्ड क्वेश्चन नंबर 10वें का दूसरा और तीसरा खुद करना, और इसके बाद थोड़े सवाल और बचे, ये कल हो जाएंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। 10वें का दूसरा और तीसरा कर लेना, आ जाएंगे ना नहीं आएंगे, इस तरह से इतना कंप्लीट एक्सरसाइज 8.4 ही चल रहा है, बहुत दिन से देखो आराम से लगवा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, गुड बाय।